राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश भाजपा नेता बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली हैं। बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिल पाई है। बीजेपी की हार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बचाव किया। हालांकि कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खरा का कहना है कि 25 में से 11 सीटों पर हुई हार के लिए कोई एक या दो नेता जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता समान रूप से जिम्मेदार हैं। खरा ने कहा कि आरक्षण सहित कई मामलों में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, जिसे हम दूर नहीं कर सके। उन्होंने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों से घटकर 14 रह जाने पर भाजपा के भीतर घबराहट है, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी की योजनाओं के केंद्र में सीएम भजनलाल शर्मा हैं, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम निराशाजनक आए। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा की पूरी रणनीति विफल रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे जाति, किसानों के गुस्से और दलितों के असंतोष जैसे मुद्दों पर ध्यान देने में विफल रही। सियासी जानकार हार की एक बड़ी गहलोत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने या फिर कमजोर करने को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज कराने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने योजना को स्वरूप ही बदल दिया है। गहलोत सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं बजट की कटौती कर दी है, जिसके वजह से एक बड़ा वर्ग वंचित हो गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी भी बीजेपी को भारी पड़ी है। वसुंधरा राजे ने खुलकर कभी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। सियासी जानकार बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे बड़ी वजह वसुंधरा फैक्टर भी मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दो बार सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के तमाम नेता मिशन 25 को कामयाब करने के दावे कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सभी 25 सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा करने वाली भाजपा 25 में से सीधे 14 पर सिमट गई। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व परिवर्तन पर सवाल उठाने के बाद कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खरा ने कहा कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। नेतृत्व परिवर्तन पर खरा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा।